ये सब क्या करता है ऐसा समझिए, एक छोटी जहाज लेके बोट लेके आता है ऐसा पानी वाला, और उस बोट में ना ये मछली पकड़ने का सामान रखे रहते हैं। देखिए मछली पकड़ने का, और जब इन्हें क्या करती है पुलिस पकड़ती है, ये बंदूक लिए रहते हैं साइड में, जहां कुछ होगा बंदूक वह गिरा देंगे सब नीचे पानी में, गया काम से का, हम तो मछुआरा हैं मछली पकड़ने आए थे। और कोई भी देश अगर कोई भी जहाज सोमालिया के आसपास से गुजरता है ना जैसे यहाँ पे, तो चारों ओर से घेर के पकड़ लेते हैं वहां पे। और किसी भी जहाज पर कॉमर्शियल चीजों पर जो एक देश से दूसरे देश में जाता है उसमें आप हथियार नहीं यूज कर सकते, हथियार यूज नहीं कर अलाउ नहीं होता है। अब इन लोग के पास क्या होता है हथियार, अब धीरे अब आके आपके जहाज में सटा देंगे सब, अब दू को गोली चलाते रहेगा धर 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 चलाएगा तो आप झांक तोड़ी पाइएगा वहां पे, एगो सीढ़ी फेंक के चढ़ जाएगा वहां पे, एगो चढ़ गया तबाही मचा देगा, आपके पास हथियार है नहीं, इसके पास हथियार है, समझ आ गया कि नहीं। हथियार वाले के पास जल्दी कोई जाता नहीं, मार देगा, और AK-47 एक सेकंड में 16 गोली मारता है, इस सबसे कोई लड़ेगा यहाँ पे। जहाज को क्या करता है बंदी बना देते हैं, बना देंगे सर, उसका क्या फोन करो हेडक्वार्टर, इतना पैसा चाहिए तो हम जहाज छोड़ेंगे, उतना पैसा ले लेंगे सब, उसका जहाज छोड़ेंगे सब। तो सबसे भ्रष्ट देश, आगे बढ़े कर आपसे ज्यादा काला है, हाँ हमसे ज्यादा है यहाँ पे, ये मेरे ही बराबर हैं सब, लेकिन इसे बेचारा धूप में करिया करिया हो गया सर, धूप में समुन्द्र के किनारे का धूप बहुत खराब लगता है, आप में कोई समुन्द्र के किनारे गया होगा ना तो उसको समझ में आएगा। हम मुंबई गए थे ठंडी के दिन में, दिसंबर का महीना था, कपिल शर्मा का शो का शूटिंग चल रही थी वहां, ठंडी के दिन में एसी चल रहा था, वो भी फुल मतलब भयानक एकदम, दिसंबर में वहां हाँ मतलब ये नॉर्मल शर्ट पहन, हमको लगता यही पहने थे, यही था ना, यही पहन के वापस भी चलाए थे। और जब दिल्ली उतरे ना, बाप रे बाप हालत खराब हो गया दिल्ली में, और वहां ठंडी नहीं पड़ता है तो समुद्र के किनारे रहिएगा ना, जो धूप जो आता है ना वो बर्न हो जाता है, चमड़ा जलने लगता है, इसलिए देखिएगा ना जो समुद्र के किनारे लोग बीच उच पे जाते हैं ना तो सन प्रोटेक्शन क्रीम, आप लोग को ज्यादा आइडिया होगा, तो जो यहां लगाते हैं लगने सनस्क्रीन बोरोलिन बोरो प्लस वो सब काम नहीं करेगा वहां, उसका एक अलग होता है भर दहिया पोतले रहता है तो झोंस जाएगा वहां पे, तो ऐसे ही सब भी बेचारा झोंस गया है, सब बेचारा कब्जा कर लेता है सब। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो जहाज जो होती है पानी वाली जहाज उसके साइड साइड में कटीला तार लगा दिया जाता है, और नहीं तो जेट स्प्रे मारा जाता है, पानी का हैवी प्रेशर मारा जाता है कि जहाजिए पलट जाए, इन सो का हैवी बहुत प्रेशर होता है पानी का, पानी वाली जहाज में तो पानी की कमी नहीं है, पानी लेगा और बड़ी जहाज होती है उसमें बड़का मोटर फिट कर देगा, और उसी को ना जैसे जिधर से चढ़ेंगे रिमोट कंट्रोल से देख लेगा, कैमरा हर जगह कैमरा लगा किधर से चढ़ रहे हैं, अब मारेगा उधर से इतना जेट स्प्रे की परेशान हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन तब ये भी होशियार होंगे, चार को पांच को जहाज लेके एक ओर आ जाते हैं, आप एगो को मारिए तो दूसर का ओर से चढ़ जाएगा, उधर से चढ़ जाता है यहाँ, समझ में आएगी नहीं क्या, इन सब का यही काम ही है यहाँ पे, पकड़ा जाते हैं लोग तो बहुत बुरा मार मारता है सब यहाँ पे। कई बार इंडियन आर्मी पकड़ ली थी इन सब को, बड़ी मार मारी थी, नहीं समझा, इंजन रूम में जाके छुप गया था सब, कैप्टन फोन कर दिया कि हम लोग के ऊपर क्या हो गया अटैक हो गया है, तो इंडियन नेवी ने बोल दिया कि एक काम करो तुम लोग सेफ रूम में घुस जाओ, तो जहाज का कई रूम होता है सेफ्टी रूम, उसमें घुस गया, जहाज छोड़ दिया, जहाज डूबेगी थोड़ी ना, वो तो वहीं पड़ी है, और उधर से इंडियन नेवी उतार दी हेलीकॉप्टर से जहाजिए पे, आई सब एकदम देखने सकले से पहचान में आ जाता है, नहीं समझ आया, हाँ क्या कह रही है कि सर इतना काला है कि पिटाने के बाद काला दाग होगा तो पता नहीं चलेगा कि पिटाया है, नहीं समझे बेचारा कितना, ये सब देख रहा हो यहाँ पे एकदम खतरनाक खतरनाक है सब, हम आई तो बरसों नहीं किया है गधा का, मारकर चला है तो पता नहीं चल रहा है उस पर, नहीं समझ आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए ये सब, ये प्रजाति भारत में भी है, और अगर इन्हें अगर मिल गया सरकारी नौकरी तब तो आप लोग ना पहुंच के रह जाइएगा, हे भगवान कितना बढ़िया अकस्मा था, इका जने कहां से मिल गया हमरा सोमालिया, समझ में आ गया कि नहीं किसी को दिक्कत लड़की लोग में
तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, पढ़ाई लिखाई मन से कीजिएगा, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत है आप लोग को। इसकी राजधानी क्या है? मोगादिशु। राजधानी मोगादिशु। आगे बढ़े, इसमें कुछ है ये नहीं है, रेगिस्तान है, मरुस्थली एरिया है, कब्जा कर लेता है जहाज, करोड़ों करोड़ों रिश्वत मांगते हैं सब। अब जहाजों पे बहुत ज्यादा क्या होता है, सामान लदे होते हैं, अरबों खरबों का सामान हो गया। अब जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर में आपका 1000 पीस लैपटॉप आता है, 1000 पीस एक कंटेनर में कितना आता है, कम से कम 1000 पीस आता है। और 1 लाख का मान के चलिए मैकबुक आ गया, एप्पल का 1 लाख का, तो 5 × 0 1 लाख में गया, 1000 में 3 × 2 तो 5×3 = 8, 10 करोड़ हो गया, कितना हो गया देखिए, 10 करोड़। एक वो कंटेनर घुमाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 करोड़। और ऐसे ऐसे 5000 कंटेनर होते हैं, समझ में आ गया, तो 5000 करोड़। एक वो पनिया ली जहाजिया पे कितना का सामान होता है, 5000 करोड़। मंदी बना लेगा, कप्तान के मुड़िया पर तान देगा बंदूक, मंगाओ इतना पैसा तो छोड़ेंगे, उतना पैसा मंगाना पड़ेगा, नहीं देगा तो मार देते हैं सब, नहीं दिया तो मार देते हैं सब। उन सब को जहाज चलाने आ जाए, जहाजिया चलेगा कौन, बड़ काम होता है, उन सबको सब आता है। कोई देश एक्शन क्यों नहीं लेता है, इस हथियार फेंक देता है, कहता सब मछलियों ना मारे। ये बताओ आप दुनिया को छोड़ो ना, आप अपना देश देखो, नक्सलाइट का सोल्यूशन मिल गया, तो तुम चल गया वहां पे सोमालिया को सॉल्व करने, बताओ, वो भी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में सबका लिमिटेशन होता है, आपका अपने देश में कोई लिमिटेशन नहीं ना जी, सीआरपीएफ से लेके आर्मी एयरफोर्स सब है, नक्सल सॉल्व हुआ नहीं ना, गए हैं सोमालिया सॉल्व करने, वहां आप हथियार लेके नहीं जा सकते हैं, सारा देश आपको हम बता रहे हैं, जैसे आपको इतना आसान लगता है सॉल्व करना, तो एक बार नक्सल समस्या देखिए, आप चारों ओर से घेर सकते हैं उनको, इन्हें नहीं घेर सकते, इंटरनेशनल रूल कुछ होता है ना, आप पर्सनल किसी सोल्यूशन के लिए रूल नहीं बना सकते, मंगरेला है सब ये सब। हाँ